मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गया, रासुका लग गया, तो अच्छे खासे लोग ये तमाम मुसलमान जर्नलिस्ट को बगैर किसी के नाम पर सबको सालों साल से जेल में सड़ा रहे, तब किसी का नहीं आता है कि एक और एक के भूमियार के नाम पर तमाम लोग बिहार में खड़े हो जा रहे हैं कि टारगेट भूमियार के नाम पर किया जा रहा है मनीष कश्यप को, और उसके लिए रासुका लगाया जा रहा है और तमाम लोग लिखने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी कलम एक बात भी नहीं चलती है कि यहाँ पर हजारों मुसलमान जो है और उसमें जर्नलिस्ट जो अभी जितने भी जर्नलिस्ट बंद हैं ऐसे लगा करके, एनएसए लगा करके, रासुका लगा करके, वो सारा तो कौन है और उनकी क्या इल्जाम है? इसने तो फिर भी दो राज्य को लड़ाने की कोशिश की थी, और जिसका कि परिणाम ये होना था अगर सच में वो फलीभूत हो जाता, सच हो जाता, तो सचमुच ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला तो था ही था। कैसे ये तो नहीं था ये रासुका राष्ट्रीय का, सुरक्षा का ये मसला? रासुका का फिट केस था। मुझे बिल्कुल लगता है इतने दिनों में पहला फिट केस आया था। बिल्कुल सर्जिल बिल्कुल इमाम का, सर्जिल इमाम ने तो जो बातें की वो तो सभाओं में बहुत दिनों से की जाती रही है कि हम जो है संपर्क काट देंगे, हम जो है चक्का, वो चक्का जाम का संदर्भ था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल। फिट लेकिन केस था जो चीजें लेकिन जी। समस्या ये है कि इस तरह से बात नहीं हो रही है ना। मैं तमाम लोगों को देख, अच्छे खासे लोग मैं देख रही हूँ कि इसमें बह करके और आंसुका लगाना गलत है कह रहे हैं। कैसे भाई गलत है? दो राज्यों में जब लड़ाई हो जाता और 100 लोग, हजारों लोग मारे जाते, तब ठीक था? तब ठीक था ये?